मेरा फर्स्ट टाइम है, पहले सबका शुक्रगुजार भी सुदीप के लाए हुए बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा अलग हो रहा है। मेरा नाम पूजा है, मैं स्मूथी में 11 से 25 खुशी का रोल कर रही हूँ एंड ये मेरा पहला है, फर्स्ट शो है एंड अगर आगे और अच्छा चलेगा तो मैं और करना चाहूँगी। मेरा नाम रत्नमाला पाटिल है, मैं मूवीज में चाची का रोल कर रही हूँ और आगे इससे मुझे मराठी में भी रोल मिलेगा तो मैं करना चाहूँगी। सिंधु चौहान और मेरी मूवी कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, मैं बहुत का रोल कर रही हूँ और मैं ये प्रोजेक्ट मेरी और ये अली सर ने मेरे को दूसरा चांस दिया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैं बहुत हैप्पी हूँ और अच्छे से मैं कर लूँगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या विषय है इस फिल्म का और सेटिंग क्या है इसका? ये है कि मतलब एक सीधी सादी बहू है तो उसकी मतलब एक लड़का आता है तो उसकी वजह से मतलब ये स्टोरी चेंज हो जाती है, फिर यहाँ पे मैं इसमें चेंज हूँ बहुत ही मतलब उस तरह से, तो ये स्टोरी ये बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरा नाम अंजलि है और मुझे ड्रीमर मीडिया बहुत अच्छी लगता है। मेरा नाम शर्मिला है और मुझे भी अच्छा लग रहा है ड्रीमर मीडिया प्रमोशन में आके इसमें शूटिंग करना। हाँ। क्या किरदार आप लोग का? मेरा सिस्टर का किरदार है, मतलब एक फैमिली है तो इसलिए मेरा सिस्टर का सिस्टर है। आपका? वेरी गुड, थैंक यू। मैं अली सर के यहाँ से 2 साल से जॉब कर रही हूँ। क्या काम करना, क्या है अली सर? प्रोडक्शन हाउस में फिल्म में काम दिला रही। जैसे कि आपका कौन सी फिल्म काम दिलाया आपने? द 100 प्लेस, द डेंजरस बॉन्ड और काफी सारी एल्बम सॉन्ग शॉर्ट मूवी। चलिए सर बोलिए। हाँ, मेरा नाम इमरान खान है, मैं इसमें डायरेक्टर हूँ और ये दो मेरे एडी है, इनका नाम है फिरोज खान और ये मारूफ खान। तो बाकी इस फिल्म में जो है वो एक घर की स्टोरी है, फैमिली की स्टोरी है जिसमें एक रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। एक सीधी सादी बहू जो घर की पतिव्रता वाला जो कैरेक्टर कर रही थी, अचानक से उसकी लाइफ में एक ऐसा बैड ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से वो पूरा मतलब उसकी लाइफ खराब हो जाती है उस लड़की की। तो शूटिंग कहाँ कहाँ होने वाली है, क्या होने वाला है? शूटिंग अभी हमारा जो फर्स्ट शूट यहाँ लगा है, इसके बाद हम दूसरे लोकेशन भी सर्च कर रहे हैं, जैसे कि एक हैदराबाद का सीन हो जाएगा, फिर हैदराबाद के बाद में फिर एक लास्ट का जो क्लाइमेक्स होगा वो गोवा में होगा। बात करें हम कास्टिंग की, जो किस तरह कास्टिंग की आपने, कास्टिंग कौन कौन है? कास्टिंग में सपना मल्होत्रा मैडम है, उन्होंने कास्टिंग करी और कास्टिंग तो 2 महीने से चल रही थी और आज जाके फाइनल हुआ है। जो ये प्रोजेक्ट बन रही काफी अच्छी है और हमारे हरी दादा है तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है इनके साथ और कहानी भी काफी अच्छी है। इस फिल्म में मैं देखिए ये तो एक आर्टिस्टिक है कि हम लोग देखते हैं प्रॉप वाइज देखते हैं और लाइटिंग ये दोनों अगर बेहतर है उसके साथ साथ हम लोग डायरेक्शन और हमारे अच्छा प्ले करते हैं तो सब मिला के बढ़िया हो सकता है। नए लोग आते हैं और रिटर्न भी होते हैं कुछ काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए, अंदर एक लगन होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। मेरे पास ऐसे भी कुछ लोग हैं कि मैंने टैलेंट देख के उनको लीड किया है, मैंने और फिल्म किया है
बंदे में टैलेंट देखा लीड किया, मैंने फिल्म में बोला तुम्हें 5 लाख दे देते टैलेंट है बंदे में, देखता हूँ कि हाँ ये मेरा टाइम बचा है, तो भी टाइम क्यों होता है।